हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहे हमारे साथ। भारत के महान ग्रंथों और काव्यों का संपूर्ण संकलन, सब्सक्राइब करें तिलक। प्रार्थना की खुशबू, साइकिल प्योर अगरबत्ती। बच्चे का रोना सुन रहे हैं? ये रोना नहीं है, मृत्यु का हास्य है। ये कोई साधारण बालक नहीं है, मृत्यु ने ही बालक के रूप में जन्म लिया है। यदि ये बालक जीवित रहा तो समझो सर्वनाश हो जाएगा। यदि तुम महाराज शंबरासुर और उनके राज्य का भला चाहती हो तो शीघ्र इस बालक को नष्ट कर दो। नहीं गुरुदेव, नहीं, नहीं गुरुदेव, नष्ट कर दो इसे। नहीं, ये बच्चा मैं नष्ट नहीं करने दूंगी, ये बच्चा मेरा है। नष्ट कर दो इसे। कहाँ है बालक? देख रहे हो कुंभकेतु, प्रद्युम्न कैसे रो रहा है? जो बालक शंबरासुर की हंसी मात्र से रोने लगता है वो भला शंबरासुर का विनाश कैसे कर सकता है? परंतु गुरुदेव ने तो कहा है कि हमारे गुरुदेव वृद्ध हो गए हैं, वृद्धावस्था के कारण कभी कभी भ्रमित हो जाते हैं। परंतु तुम अपनी तलवार को म्यान में रखो, मैंने प्रद्युम्न को अभय दिया है। मैं महाराज शंबरासुर को बताऊंगा क्या आप जैसा समझते हैं वैसा नहीं है। प्रद्युम्न हमारा पुत्र नहीं है। थानामती ने प्रद्युम्न को जन्म नहीं दिया है। ये बालक मछली के पेट से मिला है। नहीं नहीं स्वामी, ऐसा मत कीजिए। महाराज शंबरासुर को सच्चाई बताने से तो तुम मुझे नहीं रोक सकती ना।
रुक जाओ। द्वारपाल, मुझे महाराज शंबरासुर से मिलना है। इस समय महाराज किसी से नहीं मिल सकते। मेरा उनसे मिलना अति आवश्यक है। यदि मैं उनसे नहीं मिलूंगा तो अनर्थ हो जाएगा। द्वारपाल, भारासुर को अंदर आने दो। जो आज्ञा, आप जा सकते हैं। प्रणाम असुरेश्वर। प्रणाम महारानी। भानासुर, महाराज से मिलने के लिए इतने उत्सुक क्यों हो तुम? और तुम किस अनर्थ की बातें कर रहे थे भानासुर? स्वामी, मैं आपकी सुरक्षा के संबंध में एक महत्वपूर्ण रहस्य जो हमने आपसे छुपा रखा था आपको बताने आया हूं। हमारी सुरक्षा के संबंध में रहस्य? हाँ महाराज। तो शीघ्र ही बताओ, क्या बात है भानासुर? तुम हमारे किस दुश्मन के बारे में बताना चाहते हो भानासुर? शीघ्र बताओ। मैं बताने आया हूं कि महाराज प्रद्युम्न हमारा बेटा। भानासुर, भानासुर, क्या हुआ तुम्हें? तुम कुछ बोलते क्यों नहीं? तो तुम भी राजगुरु की बातों में आ गए। भूल जाओ भानासुर के प्रद्युम्न हमारे लिए अशुभ है, और मेरी चिंता भी छोड़ दो। नारायण नारायण। आखिर तुम कहना क्या चाहते हो प्रद्युम्न के बारे में? बेचारा आतंकित हो गया है, कदाचित इसीलिए बोल नहीं पा रहा है। मुझे लगता है प्रद्युम्न के बारे में चिंतित है। मैंने प्रद्युम्न को अभय दिया है भानासुर, इसलिए कि उस बालक को मैं अपना काल नहीं समझता। अब कुंभ केतु या मुझसे प्रद्युम्न को कोई खतरा नहीं है। इसलिए जाओ भानासुर, जाओ, निश्चिंत होकर जाओ। ना ही मुझे प्रद्युम्न से डर है, ना ही प्रद्युम्न के लिए तुम्हें मुझसे डर होना चाहिए। जाओ, जाओ भानासुर, जाओ। जाओ भानासुर, और भानामती को धैर्य दो, वो भी बिचारी आतंकित होकर हमारे पास आई थी। जाओ। पुत्र का मोह, पुत्र का स्नेह और पुत्र वियोग, इन तीनों का हमने अनुभव किया है महाराज। मुझे भानामती और भानासुर की व्याकुलता में अपना ही प्रतिबिंब दिखाई दे रहा है। प्रद्युम्न को अभय देकर आपने अच्छा ही किया है महाराज, बहुत ही अच्छा किया है।
अवस्था? आपको क्या हो गया है स्वामी? आप आपकी आवाज को क्या हो गया है स्वामी? आप बोल नहीं सकते? नहीं स्वामी, स्वामी मेरा प्रद्युम्न मत छीनिए स्वामी। आप इसके बाप नहीं तो क्या हुआ? मैं इसकी माँ तो हूँ स्वामी, ऐसा मत कीजिए। मेरा प्रद्युम्न मत छीनिए स्वामी, मेरा बच्चा मुझसे मत छीनिए। नहीं स्वामी, मेरा बच्चा मुझसे मत छीनिए स्वामी, स्वामी 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 मेरा बच्चा दे दो मुझे स्वामी, मेरे प्रद्युम्न मुझे वापस दे दो। वरदान है, इसे कोई नहीं मार सकता क्योंकि इसकी सुरक्षा स्वयं देवी देवता कर रहे हैं। तुम बोल नहीं सकते लेकिन ये देख तो सकते हो ना। तुम महाराज शमरासुर को ये बताने गए थे ना कि प्रद्युम्न हमारा पुत्र नहीं है, वो मछली के पेट से निकला है। लेकिन तुम बोल नहीं सके, इस राज को खोल नहीं सके। तुम्हारी आवाज चली गई, तुम गूंगे हो गए, यही बात है ना? फिर भी तुम समझ नहीं सके कि ये भगवान विष्णु की लीला है। तुम वो चमत्कार भी भूल गए कि कैसे प्रद्युम्न मछली के पेट से जीवित निकला था और कैसे इसके आने से मेरे सीने से दूध उबल पड़ा था।
मैं जानती हूँ तुमने महाराज शमरासुर का नमक खाया है। तुम उनके साथ गद्दारी नहीं कर सकते। तुम एक सच्चे स्वामी भक्त हो। काश तुम सच्चे स्वामी के भक्त होते। काश ऐसा ही हो जाए प्रभु। काश काश ऐसा ही हो जाए प्रभु। काश ऐसा ही हो जाए। प्रणाम प्रभु। देवी आप? प्रभु क्या देवी रति युगों युगों से जैसे कामदेव की प्रतीक्षा कर रही हैं, मुझे भी प्रद्युम्न की प्रतीक्षा करनी होगी? नहीं देवी, अब किसी की प्रतीक्षा करने की कोई आवश्यकता नहीं है। अच्छा, ये तो बड़ी खुशी की बात है। प्रद्युम्न के जन्म का उद्देश्य शीघ्र ही पूरा होगा। शमरासुर के गुरुदेव ने अपने अंतर चक्षु से जैसे देखा था वैसा ही होगा। अर्थात? अर्थात ये देवी के काल दंड धारक स्वयं काल का शिकार बनेगा। देवी, शमरासुर की मृत्यु का पल समीप आ रहा है। परंतु प्रद्युम्न शमरासुर का वध कैसे करेगा? वो तो अभी बाल्यावस्था में है। अब वो शीघ्र युवावस्था में प्रवेश करेगा। वो कैसे प्रभु? नारायण 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 नारायण। प्रणाम प्रभु। सदा सुखी भव। प्रणाम माते। सदा सौभाग्यवती भव। धन्यवाद प्रभु। मेरा सौभाग्य तो प्रद्युम्न है। जब तक वे बड़े नहीं हो जाते मैं कैसे सुखी हो सकती हूँ प्रभु? दुखी क्यों होती हो देवी रति? तुम्हारी प्रतीक्षा का काल अब समाप्त होने वाला है। सच माते? हाँ, शमरासुर के गुरुदेव ने प्रद्युम्न में शमरासुर की मृत्यु को देख लिया है, इसलिए वो प्रद्युम्न की हत्या का प्रयास करने वाले हैं। इस प्रयास को विफल करने के लिए प्रद्युम्न को शीघ्र ही बालक से युवक बनाना होगा। परंतु ये कैसे संभव है प्रभु? प्रद्युम्न के युवावस्था में प्रवेश करने तक मुझे तो प्रतीक्षा करनी ही पड़ेगी ना। देवी रति, प्रद्युम्न अब शीघ्र युवावस्था में प्रवेश करेगा, यही समय की मांग भी है। प्रभु, प्रद्युम्न शीघ्र जवान कैसे होगा? उसे जवान करने के लिए समय की गति को तेज करने की सिद्धि किसे प्राप्त है भगवान? उसकी मां भानामती समय की गति को तेज करेगी महर्षि। परंतु भानामती प्रद्युम्न को जवान कैसे करेगी प्रभु? भानामती रसायन विद्या पूर्व जन्म से जानती है, परंतु इस जन्म में वो रसायन विद्या भूल चुकी है, इसलिए देवर्षि आपको केवल भानामती को स्मरण करा देना है कि पूर्व जन्म में भानामती देवलोक की अप्सरा पद्मिनी थी। पद्मिनी? पद्मिनी? नारायण नारायण। सुंदरता की मूर्ति पद्मिनी ने भगवान विष्णु की आराधना की थी। परंतु भगवान हमें ये बताइए कि रसायन विद्या की सिद्धि पद्मिनी को कैसे प्राप्त हुई? पद्मिनी ने
एक अनोखी तपस्या की थी। नृत्य करते करते वो भगवान विष्णु की आराधना कर रही थी। पद्मिनी, मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूं। कहो, किस लिए तुम मेरी आराधना कर रही थी? हे प्रभु, मैं ज्ञान पिपासा की मारी हूं। मुझे आपसे ज्ञान प्राप्त करना है। किस प्रकार का ज्ञान पद्मिनी? प्रभु, मैं मायावी विद्या और रसायन विद्या प्राप्त करना चाहती हूँ। तुम्हें इन विद्याओं की क्या आवश्यकता है? सम्मान प्राप्त करना है मुझे। हे लक्ष्मीपति, यदि मैंने इस विद्या को ग्रहण किया तो सारी अप्सराओं में मैं श्रेष्ठ मानी जाऊंगी। पद्मिनी, मायावी विद्या और रसायन विद्या एक अस्त्र की भांति होती है। यदि कोई इनके अधीन हो गया अथवा किसी ने इनका दुरुपयोग किया तो उसका सर्वनाश अटल है। हे प्रभु, ना ही मैं इस विद्या के अधीन रहूंगी और ना ही मैं इस विद्या का दुरुपयोग करूंगी। आप कृपया मुझे दिव्य ज्ञान प्रदान करें। ठीक है, तुम अपनी आंखें बंद करके पूर्ण रूप से ध्यान लगाकर मेरा स्मरण करो। मैंने तुम्हें मायावी विद्या और रसायन विद्या की शिक्षा दी है, परंतु इन विद्याओं का उपयोग केवल त्रिलोक के कल्याण के लिए ही करना।
रसायन विद्या आती है कि नहीं, इसका प्रमाण मुझे कैसे मिलेगा? मुझे रसायन विद्या का प्रयोग करना चाहिए, लेकिन किस पे करूं, कैसे करूं? पद्मिनी भगवान विष्णु के आदेश का पालन नहीं कर रही थी। वो बार बार मायावी विद्या का प्रयोग कर रही थी। देवर्षि, ऐसी विद्याएं एक अस्त्र की तरह होती हैं। यदि अस्त्र का उचित उपयोग करने का ज्ञान योद्धा को ना हो तो अनर्थ हो जाता है। तब तो पद्मिनी ने घोर अनर्थ किया था प्रभु। हाँ देवी, परंतु अनर्थ हुआ कैसे प्रभु? रसायन विद्या का प्रयोग करने पद्मिनी महातेजस्वी सदानंद ऋषि के आश्रम में प्रकट हुई और ऋषि पत्नी ने उसी समय सदानंद ऋषि जैसे ही दो तेजस्वी बच्चों को जन्म दिया था। जाओ, क्योंकि मैं तुम दोनों पर रसायन विद्या का प्रयोग करने जा रही हूं। Yeah!
हे श्री हरि विष्णु देव, पद्मिनी रसायन विद्या का दुरुपयोग कर रही है। उसने कालचक्र की गति बढ़ाने का दुस्साहस किया है। हे शेषाशयी, यदि पद्मिनी इसी तरह रसायन विद्या का दुरुपयोग करती रही तो अनर्थ हो जाएगा और काल चक्र अपनी संतुलित गति भुला बैठेगा। ब्रह्मा जी, पद्मिनी को उसके पाप का दंड अवश्य मिलेगा। अब मैं इन्हें और बड़ा करती हूं। विद्या भी आ गई है, अब मुझे इसका प्रमाण भी मिल गया। बच्चों उठो। हो तुम और बच्चे कहां गए? ये दोनों युवक कौन हैं? हम आप ही के पुत्र हैं पिताश्री। नहीं नहीं, वो तो बच्चे हैं, तुम तो युवक हो। ये आप ही के बच्चे हैं ऋषिवर, ये आप ही के बच्चे हैं। ये हमारे बच्चे हैं। हाँ माताश्री। पिताश्री। आयुष्मान भव। प्रणाम माताश्री। सदा सुखी भव। परंतु असंभव संभव कैसे हो गया? हमारे छोटे बच्चे युवक कैसे बन गए? मुझे विश्वास नहीं हो रहा। मैंने इन्हें बड़ा किया है, मैंने। इन पर रसायन विद्या का प्रयोग मैंने किया है। अब मैं समझ गई हूँ कि मैं रसायन विद्या जानती हूँ, मैं रसायन विद्या जानती हूँ। मुझे इसका प्रमाण मिल गया है। कितना घोर अपराध किया है तुमने, ये तुम नहीं जानती। तुमने मेरे बच्चों का बचपन छीन कर अच्छा नहीं किया। अरे अभी तो मेरी ममता भी तृप्त नहीं हुई थी इनके बालपन से। रसायन विद्या ग्रहण करने के बाद तुम इतनी उन्मत्त हो गई कि तुम हमें प्रणाम करना भी भूल गई। तुम्हारा यह अपराध क्षम्य है, परंतु हमारे बच्चों को युवक बनाने का तुम्हारा अपराध क्षमा करने के योग्य नहीं है। हमारे बच्चों के संदर्भ में
तुमने काल चक्र की गति को बढ़ाकर जो अपराध किया है उसका दंड तुम्हें अवश्य मिलना चाहिए। जीवन को समझने की, उसको अध्ययन करने की पहली सीढ़ी होती है बचपन, और तुमने वही सीढ़ी तोड़ दी। बच्चे भोले होते हैं, निष्पाप होते हैं, परंतु तुमने अपनी रसायन विद्या की लालसा में उनके भोलेपन की बलि चढ़ा दी। तुमने बच्चों को उनकी मां की गोद से छीन लिया है। तुमने हमारे आश्रम को रसायन विद्या के अनुचित उपयोग से दूषित कर दिया है। उसका दंड तुम्हें अवश्य मिलेगा। हे अप्सरी, मैं सदानंद ऋषि तुम्हें श्राप देता हूँ कि तुम देवलोक से भ्रष्ट होकर असुरों के कुल में जन्म लोगी, क्योंकि तुम्हारी मनोभूमिका असुरों से अधिक मिलती है। ऐसा मत कीजिए, ऋषिवर, मुझे क्षमा कीजिए, अपना श्राप वापस ले लीजिए। जिस मायावी और रसायन विद्या का तुम्हें गर्व है, वो तुम भूल जाओगी। नहीं नहीं ऋषिवर, रसायन विद्या के अधीन होने के बाद तुमने एक माता की ममता का तनिक सा भी ध्यान नहीं किया। नहीं नहीं, इस कारण तुम भी पुत्र सुख से वंचित रहोगी। ऐसा मत कीजिए, इतना बड़ा श्राप मुझे मत दीजिए। तुमने जो पाप किया है उसके दंड में तुम्हारे लिए यही श्राप उचित है कि तुम मृत्युलोक में बांज बनकर जन्म लो। मुझे क्षमा कीजिए, हे प्रभु, हे प्रभु, मेरी रक्षा कीजिए, प्रभु, मुझे क्षमा कीजिए, प्रभु, प्रभु, हे विष्णु। प्रभु, मैं मूर्ख अज्ञानी आपकी दी हुई विद्या का दुरुपयोग कर बैठी हूँ। प्रभु, अब केवल आप ही मेरी सुरक्षा कर सकते हैं। प्रभु, आप ही मेरा अधापतन रोक सकते हैं। प्रभु, मैं आपकी शरण में आई हूँ। प्रभु, ऋषिवर सदानंद के श्राप से आप मेरी रक्षा कीजिए। प्रभु, मेरे अज्ञान का अंधकार दूर कीजिए। प्रभु, मैं आपकी शरण में हूँ। प्रभु, मैं आपकी शरण में हूँ। हे प्रभु, हे लक्ष्मीपति। उठो पद्मिनी, प्रभु, पद्मिनी, मैंने तुम्हें कहा था मायावी विद्या और रसायन विद्या का उपयोग केवल त्रिलोक के कल्याण के लिए ही करना, परंतु तुमने इन दोनों विद्याओं का दुरुपयोग किया। उसे भूल हो गई प्रभु। उसी भूल का दंड तुम्हें मिल रहा है पद्मिनी। पर इतना कठोर दंड प्रभु, मैं पुत्र सुख से वंचित रहूंगी, मुझे असुर कुल में जन्म लेना होगा। नहीं नहीं प्रभु, मुझे असुर कुल में जन्म नहीं लेना है। आप ही कोई मार्ग दिखाइए प्रभु। पद्मिनी, यही विधि का विधान है, परंतु निराश होने की कोई आवश्यकता नहीं है।
तुम्हारे हाथ से एक महत्वपूर्ण कार्य संपन्न होने वाला है। वो क्या प्रभु? पद्मिनी, द्वापर युग में शमरसुर नाम का असुर प्रबल होगा। उसका विनाश करने कामदेव, महादेव, शिवजी के आशीर्वाद से मेरे पुत्र के रूप में मृत्यु लोक पर अवतार लेंगे। उनका नाम होगा प्रद्युम्न। मैं श्री कृष्ण के रूप में अवतार लूंगा और देवी लक्ष्मी रुक्मिणी के रूप में अवतार लेंगी। प्रद्युम्न का लालन पालन तुम्हारे यहां तो होगा पद्मिनी। असुर कुल में जन्म लेने के पश्चात तुम्हें दोनों मायावी विद्या और रसायन विद्या का विस्मरण होगा, परंतु समय की मांग होगी प्रद्युम्न को युवावस्था प्रदान करने की। तब तुम्हें फिर से इन दोनों विद्याओं का स्मरण होगा और तुम प्रद्युम्न को युवक बनाकर उसे मायावी विद्या की शिक्षा दोगी। जब प्रद्युम्न मायावी विद्या की शिक्षा ग्रहण कर लेगा और वो शमरसुर का विनाश करेगा, तब उस समय तुम सदानंद ऋषि के श्राप से मुक्त हो जाओगी। पद्मिनी, तुम्हारे हाथ से त्रिलोक का कल्याण होने वाला है। अब क्यों आंसू बहा रही हो? ये पश्चाताप के आंसू है प्रभु। अब मुझे किसी चीज का मोह नहीं है, ना ही देवलोक का, ना ही पाताल लोक का, ना ही मायावी विद्या का और ना ही रसायन विद्या का। अब मैं मुक्ति चाहती हूं प्रभु। जब द्वापर युग में त्रिलोक के कल्याण का कार्य मेरे हाथों संपन्न हो, तब आप मुझे मुक्ति दे दीजिए प्रभु। आप मुझे मुक्ति दे दीजिए, यही मेरी प्रार्थना है प्रभु, यही मेरी प्रार्थना है। तथास्तु। नारायण नारायण, आपकी लीला अगाध है भगवान। प्रद्युम्न की सुरक्षा की योजना आपने पहले से ही बना रखी थी। नारायण नारायण, कहीं पद्मिनी के मन में मायावी विद्या और रसायन विद्या की शिक्षा ग्रहण करने की प्रेरणा के पीछे आप ही तो नहीं थे प्रभु? प्रभु, अब हमें क्या करना होगा? देवी रति, देवऋषि और आपको भानामती से मिलना होगा। भानामती को जब आप पूर्व जन्म का स्मरण करा देंगे, तब उसे सब कुछ याद आ जाएगा और वो सदानंद ऋषि के श्राप से मुक्त हो जाएगी और प्रद्युम्न को युवावस्था प्रदान करेगी। देवी रति, प्रद्युम्न को यह बताना कि वो कामदेव है, ये आपका काम है। एक बात और कि शमरासुर के गुरुदेव को प्रद्युम्न के बारे में पता चल गया है कि वो शमरासुर के लिए मृत्युदाता है, इसलिए वो उसे मार डालने का प्रयास अवश्य करेंगे। उनका प्रयास विफल करने के लिए भानामती को पूर्व जन्म का स्मरण शीघ्र करा देना अति आवश्यक है। हम अति शीघ्र ही भानामती से मिलेंगे प्रभु। नारायण नारायण। कृष्णा